आप अपने खेत में या गार्डन में भिंडी के पौधे जरूर लगाते होंगे, मगर कभी सोचा है कि भिंडी के बीज कैसे निकाले जाते हैं या कैसे तैयार किए जाते हैं? आपको नहीं पता तो यह वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। तो आज हम जानेंगे कि आप भी अपने घर पर भिंडी के बीज कैसे तैयार कर सकते हो, ताकि अगली बार भिंडी के पौधे उगाने के लिए आप उन्हीं बीजों को उपयोग में ले सको। यह सारी प्रोसेस प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बीज तैयार करने के लिए भिंडी की फलियों को बिना तोड़े पौधे के ऊपर ही पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, और भिंडी की फलियां जब सूख जाएं और उसमें क्रैक या दरारें दिखने लगे, तब उन फलियों को धीरे से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। देखिए भिंडी की इन फलियों को जो पूरी तरह से सूखी हुई और फलियों में क्रैक भी पड़ने लगते हैं। अब इन फलियों को एक दो दिन धूप में सुखा लेना है। देखिए फलियों को तोड़ने पर अंदर से पूरी तरह से सूखे हुए बीज निकलेंगे। अब इन सारी फलियों को तोड़कर बीजों को एक बर्तन में निकाल लेंगे। बीज उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? पूरे खेत की भिंडी की फलियों को तोड़कर एक प्लास्टिक के ऊपर ढेर में बिछा दिया जाता है। बाद में सुखाने के बाद उसे डंडे से पीटकर या फिर ढेर के ऊपर ट्रैक्टर वगैरह चलाकर सारी फलियों को तोड़ा जाता है, ताकि सारे बीज अलग हो जाए। तो देखिए फलियों से हमने सारे बीजों को निकाल लिया है। अब बीज वाले इस बर्तन में हम पानी डालेंगे। और बीजों को हाथों की मदद से पानी में कुछ देर घुमाएंगे। अब यह वाले जितने बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं, वो सारे बीज बेकार के हैं, हल्की क्वालिटी के हैं, जिसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा। और जो बीज पानी के नीचे बैठ गए हैं, वो सारे बीज हमारे काम के हैं, मतलब कि वो बीज अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अब पानी की सतह पर तैर रहे बीजों को हमें बाहर निकाल देना है। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो। ऊपर के हल्के बीजों को निकाल देने के बाद अब हमारे पास सिर्फ पानी के नीचे बैठे अच्छी क्वालिटी के बीज ही बचे हैं। तो अब हम सारा पानी निकालकर बीजों को छान लेंगे। तो अब देखिए इन बीजों को, ये सारे बीज अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, जो कि सभी के सभी अच्छी तरह से जर्मिनेट भी होंगे। अब इन गीले बीजों को हमें किसी भी फंगीसाइड से ट्रीट करना है, ताकि दवाई अच्छे से बीजों के ऊपर चिपक जाए और बीज से तैयार होने वाला पौधा भी स्वस्थ और रोग मुक्त पैदा हो। बीजों के ऊपर फंगीसाइड दवाई डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि दवाई एक समान रूप से बीजों के ऊपर चिपक जाए। अब इन बीजों को हमें अच्छे से धूप में सुखाना है। सो किसी कपड़े या पेपर के ऊपर इन बीजों को फैला देना है। धूप अच्छी होने पर 3-4 घंटों में सारे बीज आराम से सूख जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बीजों को ज्यादा देर पानी में नहीं रखना है, और पानी से निकालने के तुरंत बाद उसे सुखाना जरूर है। बीजों में ज्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना बीज खराब हो सकते हैं। तो जरा देखिए हमारे बीज अच्छे से सूख चुके हैं। अब इन बीजों को बुवाई के लिए तुरंत प्रयोग में लेना हो तब भी ले सकते हो, या फिर बाद में प्रयोग में लेना हो तो किसी एयर टाइट बैग में भरकर स्टोर भी कर सकते हो। इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप भिंडी के बीजों को घर पर तैयार कर सकते हो, जो कि मार्केट में अच्छे खासे दामों में बेचा जाता है। आप बड़े पैमाने पर इसे व्यावसायिक रूप भी दे सकते हो।
अगर आप कमेंट करोगे या मौका मिलेगा तो मैं आपको भिंडी के इन बीजों को ग्रो करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में बचा हुआ डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।